नमस्कार, मैं मदन लाल आज आपका ब्रेन मेकर कोचिंग क्लास में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने हिंदी की क्लास लेकर आया हूं। हिंदी में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्ण विचार। आज हम वर्णों पर अपना फोकस करेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण विचार, भाषा की छोटी से छोटी इकाई को क्या बोला जाता है? वर्ण बोला जाता है। भाषा की छोटी से छोटी इकाई को वर्ण कह सकते हैं या आप ध्वनि भी कह सकते हो। एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वहां पर अगर ध्वनि है तो ध्वनि आपने टिक करना है, अगर वहां पर वर्ण है तो वर्ण टिक करना है। दूसरा अगर आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो सार्थक, जब सार्थक पूछ लेते हैं तब आपने क्या लगाना है? जब आपने शब्द लगाना है। ठीक है जी, तो आगे करते हैं। जो वर्ण है हिंदी में, जो टोटल है, जो कुल वर्ण है वो है 52। 52 जो है, जो वर्ण है वो हिंदी के हैं। कौन कौन से वर्ण है आगे करते हैं। सबसे पहले क्या है? स्वर है जो, ठीक है, हिंदी के स्वर कितने हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे, ऋषि, ए, एक, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ठीक है। कितने स्वर है? 11 स्वर है हिंदी के, 11 स्वर है, ठीक है। और दूसरा है अ के ऊपर बिंदी, अ के पीछे दो बिंदी, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? अयोग वा बोला जाता है। ये कितने हैं? 2। 11 और 2 कितने हो गए? 13, ठीक है। अब प्रश्न कैसे आएगा? उन्होंने पूछ लिया कि हिंदी के स्वर कितने हैं, हिंदी के स्वर कितने हैं, तो आपने बता देना है हिंदी में 11 स्वर होते हैं, ठीक है। अगर हम पूछ लिया कि हिंदी के कुल स्वर कितने हैं, तो आपने कितने बताने हैं? 13 बताने हैं, ठीक है। और इनको बोला क्या जाता है? इनको अगर दोनों को अयोगवा बोला जाता है, अगर एक एक करके पूछ ले तो इनको क्या बोला जाता है? अ के ऊपर बिंदी को अनुस्वर बोला जाता है। अ के दो, अ के पीछे दो अगर बिंदी लग जाती है तो उसे विसर्ग बोला जाता है, ठीक है। आगे करते हैं कि जो ये थे स्वर, आगे करते हैं व्यंजन कौन से होते हैं। व्यंजन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं कि क, ख, ग, घ, ड, ठीक है, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये कितने हो गए? इसमें हर एक जो पांच पांच है, पहली लाइन में पांच है, दूसरी में पांच है, तीसरी में, चौथी में और पांचवी में पांच पांच वर्ण है, ठीक है। तो ये 25 क्या हो गए? वर्ण हो गए, या व्यंजन कह सकते हो आप। 25 व्यंजन है, तो इन 25 को क्या बोला जाता है? स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। इन 25 जो पहले वाले हैं, पहले जो पहले पहले आ जाते हैं, इनको क्या बोला जाता है? पहले 25 को स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। और इनको क के जो पहला वर्ण है, क के हिसाब से इसको क वर्ग, इसको च वर्ग, टवर्ग, तवर्ग और प वर्ग। पहले वर्ण के हिसाब से ही इसको, जैसे क है, च है, ट है, त है, प है, ठीक है। ये जो 25 है इनको स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। आगे आते हैं य, र, ल, व, ठीक है, य, र, ल, व, ये चार हैं, इनको अंत व्यंजन बोला जाता है, अंत वाले अंत व्यंजन। आगे है श, स, स, ह, चार, इनको उषम व्यंजन बोला जाता है, उषम व्यंजन बोला जाता है। आगे है श, त्र, ज्ञानी, र, इनको, ये चार हैं, इनको क्या बोला जाता है? संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो है 52 है, 52 बन रहे हैं कि नहीं। देखो 13, 25 और ये 4, 8 और ये 12, इनको जोड़ करेंगे ये बन जाएंगे 50 बन जाएंगे, ठीक है। और दो व्यंजन कौन से हैं? वो दो व्यंजन कौन से हैं 52 बनाने के लिए? ड के पैर में बिंदी और ड के पैर में बिंदी, इनको क्या बोला जाता है? इनको उदिशब्द व्यंजन बोला जाता है। इनका हम अगर टोटल करेंगे तो ये कितने बन जाएंगे? 52 बन जाएंगे।
ये थी हिंदी की वर्णमाला, ठीक है, ये हिंदी की वर्णमाला है। इसमें जो है स्वर है, ठीक है, स्पर्श व्यंजन है, और ये एक अलग अलग कैटेगरी वाइज अंत उषम और संयुक्त व्यंजन है। टोटल हमारे कितने बन गए, 52 बन गए। आगे बात करते हैं कि एग्जाम में और इनसे रिलेटेड क्या है प्रश्न आते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अल्प प्राण, ठीक है, बहुत बार प्रश्न आता है कि अल्प प्राण जो व्यंजन होते हैं या अल्प प्राण जो वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं, महाप्राण जो वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं। अब ध्यान से सुनना है आपने, अल्प का मतलब है थोड़ा, अल्प का मतलब है थोड़ा, मतलब कम। जब हम जब किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो हमारे जो मुख से जब थोड़ी आवाज निकलती है तो वो अल्प, जो अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। तो अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, देखो प्रथम, तीसरा और पांचवा, ठीक है। इधर आ जाओ, अब ये ध्यान से देखना है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है, और ये पांचवा है, ठीक है। प्रथम, हर इन्होंने बोला है कि हर एक जो वर्ग का जो प्रथम जो क्या है वर्ण है, इसका प्रथम लगा लो क हो गया, ठीक है, और इसका तीसरा, इसका पांचवा, ठीक है, और दूसरा है अंत से व्यंजन। अंत से व्यंजन कौन से हैं, अंत से व्यंजन है य र ल व, ये चार ये हो गए, और सभी स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर कौन से हैं, ये वाले 11 जो स्वर हैं, इन सभी स्वरों को क्या बोला जाता है, अल्प प्राण बोला जाता है। अल्प प्राण क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका जब उच्चारण करते हैं तो मुख से क्या है जो वायु है वो कम निकलती है, अल्प का मतलब होता है थोड़ी कम, देखो। और दूसरा है स्वर, ठीक है, स्वर क्या होते हैं, स्वर बिना कैसो की रुकावट के, ठीक है, इनको सीधा बोला जाता है, जब इनका उच्चारण किया जाता है तो मुख से कोई रुकावट नहीं होती, ये सीधे बोले जाते हैं, मीन्स कम समय लगता है, हवा कम निकलती है मुख से, ठीक है। तो आगे है महाप्राण, महा, महा का मतलब है ज्यादा, ठीक है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो मुख से क्या है वायु क्या है ज्यादा निकलती है तो उनको महाप्राण बोला जाता है। प्रत्येक वर्ण का दूसरा, चौथा और सभी उषम, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का देखो, इस ये इस वर्ग का जो का है दूसरा, ठीक है, इसका चौथा, ठीक है, और सभी उषम व्यंजन। उषम कौन से हो गए, ये, ठीक है, श श श, और ये चार हैं जो, ये कौन से हैं, महाप्राण, मतलब कि महाप्राण कौन से, जब इनका उच्चारण किया जाता है, इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो वायु मुख से क्या निकलती है, ज्यादा निकलती है। आगे है घोष और अघोष, घोष और अघोष वर्ण कौन से होते हैं जिनका क्या है, घोष का मतलब है कि जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जब जब आ गया ना घोष तो कंपन क्या है, कंपन ज्यादा होती है, ठीक है, कंपन जो मुख से कंपन जैसे किसी वर्ण का जो उच्चारण करते हैं तो कंपन ज्यादा होती है। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का देखो, ये कवर्ग का कौन सा है, तीसरा, एक दो तीसरा हो गया, और चौथा, चौथा कौन सा है, एक दो तीन ये हो गया, और पांचवा कौन सा है, और ये, ठीक है, और सभी अंत व्यंजन। अंत व्यंजन कौन से हैं, ये वाले य र ल व, ये कितने हैं, चार, प्लस ह, ह को भी हम किस में रखेंगे, घोष में रखेंगे। घोष का मतलब मैंने बताया था, जब भी हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो मुख से क्या है कंपन, कंपन जैसी हवा निकलेगी, ठीक है। आगे है अघोष, अघोष का मतलब क्या है, जब इन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, आगे देखो अ लगा, अ, अ का मतलब है कंपन ना होना, ठीक है, अ, अ लगा है तो मतलब क्या है, कंपन ना होना। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जो वायु है या कह लो कि मुख से जो कंपन है वो नहीं होती है, ठीक है, प्रत्येक वर्ण का प्रथम और दूसरा वर्ण, ठीक है, प्रत्येक वर्ण का देखो, इसमें क्या है कह लो कि प्रथम,
इसमें प्रथम आ जाएगा क वाले आ जाएंगे, ठीक है, और दूसरा ख वाले आ जाएंगे, ठीक है जी। और ये है श, श और स, ठीक है, स स और स, ठीक है। ह ह ऊपर चला गया, ह किस में आएगा, घोष में आएगा, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, घोष में कंपन होता है और अघोष में कंपन नहीं होता। आगे है अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, जिनका जिन जिन कह लो कि वर्णों का उच्चारण करते समय जो वायु है मुख और नाक दोनों से निकलती है, तो उनको कौन से वर्ण बोला जाता है, अनुनासिक। जैसे लिखा है हमने गांव, गांव, जैसे हमने गांव लिखा है, ठीक है, जैसे पांचवा, ठीक है। तो इन जैसे इन अनुनासिक वो होते हैं, जब इनका उच्चारण किया जाता है तो क्या है, वायु मुख और मुख और नाक दोनों से निकलती है। आगे अनुस्वर, अनुस्वर का मतलब है बिंदी, ठीक है। इनका उच्चारण करते समय जो वायु है सिर्फ क्या है, मुख से ही निकलती है, जैसे अंगूर, ठीक है जी। आगे सजातीय स्वर, एक होते हैं सजातीय, एक होते हैं विजातीय। अब ध्यान से समझना है, सजातीय कौन से होते हैं और विजातीय कौन से होती है। देखो सजातीय, सजातीय मीन्स एक जाति वाले, एक जाति वाले या एक समान, स से देखना एक समान। जैसे हमने अ को बनाना है, ई को बनाना है और ऊ को बनाना है। अब ई को बनाना है अ प्लस अ, ठीक है, अ प्लस अ क्या बन गया, अ बन गया, ई प्लस ई बड़ी ई बन गया, और ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ बन गया। आगे देखो इनको बनाना, तो ये एक जाति वाले एक से हैं दोनों, ये भी दोनों एक से हैं, ये भी दोनों एक से, ठीक है। अब पूछा जाता है कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो सजातीय स्वर की संख्या कितनी होती है, तीन होती है। आगे विजातीय, अब छोटी ए को बनाना है, ए को बनाना है, ओ को बनाना है, बड़े ओ को बनाना है, तो इनमें देखो ये भी अलग है, 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 ये भी, ये भी, ठीक है। तो अ प्लस ई क्या बन गया, ए, अ प्लस ए बड़ा ए, अ प्लस ऊ क्या बन गया, ओ, अ प्लस ओ क्या बन गया, बड़ा ओ। इनकी संख्या कितनी है, चार, ठीक है जी। तो इसी में भी आपको डाउट है पूछ सकते हो, ठीक है, जो हमारे हिंदी की जो वर्णमाला है उनके वर्ण कितने हैं, 52 है, जिसमें 11 स्वर है। अगर कुल की बात आ जाए, कुल कितने हैं, कुल 13 हो जाते हैं, ठीक है। और दो कौन से, इनको अयोगवा बोला जाता है, इसको अगर अ के ऊपर बिंदी है तो इनको अनुस्वर बोला जाता है, अ के पीछे दो बिंदी लग जाती है तो उसे विसर्ग बोला जाता है। 25 हमारे क्या हो जाते हैं, स्पर्श व्यंजन रहते हैं, और पहले वर्ग के हिसाब से इसको कवर्ग बोला जाता है, चवर्ग बोला जाता है, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग बोला जाता है। य वाली लाइन को य र ल व को अंतस्य व्यंजन बोला जाता है, श ष ह वाली को उषम व्यंजन बोला जाता है, ष क्षत्रिय त्रय ज्ञ और र को इसको क्या, संयुक्त व्यंजन बोला जाता है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, चार चार है। आगे अलप प्राण, अलप का मतलब है थोड़ी, ठीक है, कम, वैसी वह वर्ण जिनको बोलते समय जो वायु है कम निकलती है, महाप्राण जिनको बोलते समय वायु ज्यादा निकलती है, घोष, घोष क्या होता है, मीन्स कंपन, ठीक है, जब भी हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो कंपन ज्यादा होता है। अघोष मतलब कि जब हम किसी वर्ण को बोला जाता है तो जो कंपन है नहीं होता, ठीक है। अनुस्वर, जब किसी भी वर्ण को बोला जाता है तो वायु मुख और नाक दोनों से निकलती है, अनुस्वर, ठीक है। जब वायु क्या बोलते समय वायु क्या है, सिर्फ मुख से ही निकले। सजातीय स्वर, एक जाति वाले एक समान, को बनाना है जो एक एक से वर्ण होते हैं, ठीक है, ये भी वर्ण एक से, ये भी वर्ण एक से। वी जातीय मीन्स जिन वर्ण को बनाने के लिए अलग अलग वर्णों का इस्तेमाल होता है वो क्या होते हैं, वी जातीय
वर्ण होते हैं। ठीक है जी, ओके। आगे करते हैं कि जो वर्ण है वर्णों के भेद करते हैं। हमने जो वर्ण विचार में वर्णमाला पढ़ ली है और अल्प विराम घोष और ये जो सभी जो वर्ण के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आगे करते हैं कि वर्णों के भेद कितने होते हैं। तो वर्णों के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वरों के बारे में हमने पहले अच्छी तरह पढ़ लिया था। अगर आ जाए एग्जाम में कि स्वर कितने हैं, ठीक है, तो आपने 11 बताने हैं। अगर आ जाए जो कुल स्वर कितने हैं, तो उसमें दो दो अयोगवाद जोड़कर आपने 13 बताने। ठीक है जी, तो ये तो होगी स्वर की बात। व्यंजन के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, जो स्पर्श व्यंजन है पहले जो 25, ठीक है, पहले 25 जो वर्ण है वो स्पर्श व्यंजन है, और जो उसको क जो पहले पहले वाला वर्ग है उसको उसके हिसाब से उसको क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, प वर्ग, ठीक है, उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। फिर आगे हमने किया था अंशन व्यंजन कौन से है, उषम व्यंजन कौन से है, और आगे और जैसे संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। ठीक है, तो हमारे जो 52 है, जो 52 है जो वर्ण हमने जो कंप्लीट किए थे, व्यंजन के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आगे जो स्वर है, जो स्वर स्वर की जो परिभाषा क्या है, स्वर की परिभाषा क्या है, जब कोई भी वर्ण क्या है बिना रुकावट के बोला जाता है, सीधा बोला जाता है, जब बोलते समय कोई भी रुकावट नहीं आती तो वो क्या कहलाता है, स्वर कहलाता है। जैसे हमारे हिंदी के 11 प्लस 2 कुल कितने हैं, 13 स्वर हैं, जैसे अ आ ई उ ए, ठीक है, जब इनको बोलते हैं तो ये क्या है, कोई भी जब स्वर बोला जाता है तो मुख से बिना रुकावट के बोला जाता है। ठीक है, और व्यंजन क्या है, व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन होते हैं। जैसे क है, अब क ख, ठीक है, क अब क बोलेंगे तो उसमें जब क्या है, स्वर की सहायता ली जाएगी। ठीक है, इसमें जब मिक्स क्या होगा, क प्लस अ क्या बन गया, क बन गया। ठीक है, ऐसे ही ख ख में भी क्या होगा, स्वर होगा अ। ठीक है, ख क ख ग घ, ठीक है, जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और जो स्वर होते हैं वो बिना रुकावट के सीधे ही बोले जाते हैं। ठीक है, स्वर मैंने बता दिया कि 11 और 2 13 होते हैं कुल, अगर सीधा आ जाए तो 11 होते हैं। व्यंजन भी हमने पढ़ लिया था, 25 स्पर्श है, आगे संयुक्त है, जो भी है। तो स्वर के भी आगे दो भेद हैं, स्वर के भी आगे दो भेद हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। सबसे पहले बात करते हैं कि जो संयुक्त स्वर है वो कितने हैं। एग्जाम में कई बार प्रश्न आया कि संयुक्त, इसमें क्या होते हैं, जो विद्यार्थी ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, एक होते हैं संयुक्त व्यंजन, एक होते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, होते दोनों ही चार चार है, ठीक है, पर जब एग्जाम में प्रश्न आता है तो उन्होंने लिखा होता है ये ए बताओ, ये बताओ ये क्या है। ठीक है, ये व्यंजन है, स्वर है, जो क्या है, तो ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, सॉरी संयुक्त क्या है, स्वर है। ठीक है, व्यंजन लगाना, संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर क्यों है, मैं आपको बताऊंगा ये संयुक्त स्वर क्यों है। अब देखो ये बनाना है, एक ही मात्र ए बनाना है, छोटी ए बनाना है, तो छोटी ए क्या है, स्वर है ये। ठीक है, 11 स्वर होते हैं, उनमें से ये ए बनाना है, तो जब ये बनाएंगे अ प्लस ई, अ प्लस छोटी ई, तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, छोटी ए, एडी। ठीक है, अब बड़ी ए बनाएंगे तो उसमें उसको कैसे बनाएंगे, उसमें छोटी ए मिक्स करेंगे, अ प्लस छोटी ए मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ी ए, एडी, बड़ी ए। ऐसे ही है छोटा ओ, छोटा ओ, अ प्लस ऊ, अ प्लस ऊ क्या बन गया, छोटा ओ। ऐसे ही है बड़ा ओ बनाएंगे, अ प्लस छोटा ओ क्या बन गया, बड़ा ओ। ठीक है,
अब इनको संयुक्त स्वर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, दो स्वरों को, ठीक है, दो स्वरों को जोड़कर बने हुए हैं, ठीक है, दो स्वरों को जोड़कर, इसमें भी दो है, दो दो, ठीक है, दो स्वरों को जोड़कर बनाने वाले स्वरों को कौन से स्वर बोला जाता है, संयुक्त स्वर बोला जाता है, ठीक है। ये कितने हैं, चार हैं, और एक मैंने पहले बताया था कि संयुक्त व्यंजन होते हैं, है ना, संयुक्त व्यंजन होते हैं, वो भी दो जो है व्यंजनों को मिलाकर बने होते हैं, वो भी चार हैं और ये भी चार हैं। अब एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा कि आपको ये आ जाएगा, बड़ा ओ, ये बताओ क्या है, ठीक है, ये क्या है, संयुक्त स्वर है, ठीक है। और दूसरी तरह प्रश्न आ जाता है, ध्यान से सुनना आपने, कि छोटा ओ और बड़ा ओ, छोटा अ और बड़ा आ मिलाकर क्या बनते हैं, तो क्या बनते हैं, बड़ा ओ। ऐसे ही है, अ और ए मिलाकर क्या बनते हैं, बड़ी ए, एडी बनती है। अ और उ मिलाकर क्या बनता है, और ओ बनता है। इसमें से कई बार सीटेट में और एचटेट में जो प्रश्न आए हुए हैं, संयुक्त जो स्वर हैं उनको आपने ध्यान से समझना है, ठीक है। जो विद्यार्थी इस कह लो कि इस पोर्शन में ही जो कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ नहीं आता कि ये कैसे बना है, इनको मिक्स कर देते हैं, तो यहां से ही क्वेश्चन सीटेट में कई बार आया है, एचटेट में कई बार आया है, और मास्टर केटर में भी कई बार आया है, तो आपने इसको ध्यान से देखना। ऐसे है जो मूल स्वर हैं, ठीक है, मूल स्वर के भी आगे कितने भेद हैं, तीन भेद हैं, ठीक है, ये संयुक्त स्वर था, ये मूल स्वर है, ठीक है। स्वरों के दो भेद हैं, मूल और संयुक्त, ठीक है। संयुक्त स्वर कितने हैं, चार हैं, मूल स्वर के आगे कितने भेद हैं, तीन। कौन कौन से हैं, मूल स्वर के आगे भेद कितने हैं, तीन। कौन कौन, सबसे पहले हसव स्वर, हसव स्वर, हसव स्वर की गिनती कितनी है, चार। हसव स्वर की गिनती कितनी है, चार। कौन कौन से हैं, अ, ई, उ और र, ऋषि, ठीक है। हसव स्वर की गिनती कितनी है, चार। और ये हसव स्वर कौन से होते हैं, इनकी परिभाषा क्या है, इनकी परिभाषा है जिन स्वरों को बोलने के लिए क्या है, कम समय लगता है, जिन स्वरों को बोलने के लिए कम समय लगता है उन्हें हसव स्वर कहा जाता है। कई बार इनको हसव स्वर को मूल स्वर भी बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए कि अ, ई, उ और र, ऋषि, ये कौन से स्वर हैं, तो अगर वहां पर हसव स्वर नहीं लिखा हुआ तो आपने मूल स्वर को क्या करना है, टिक करना है। हसव स्वर और मूल स्वर क्या है, एक ही बात है, ठीक है। ये कितने होते हैं, चार होते हैं, ठीक है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और र, ऋषि। इनकी परिभाषा क्या है, ऐसे स्वर जिनको बोलते समय कम समय लगता है उन्हें हसव स्वर बोला जाता है। आगे है दीर्घ स्वर, दीर्घ, दीर्घ का मतलब है दुगना, दो गुना, ठीक है। ऐसे स्वर जिनको बोलते समय हसव स्वर से दो गुना समय लगता है, ज्यादा समय लगता है, डबल समय लगता है, तो उसे दीर्घ स्वर बोला जाता है। ये कौन से है, आ, ई, ए, ए, उ, ओ, ओ, कितने हो गए, सात हो गए, ठीक है। और कुल कितने हैं, ग्यारह, सात और चार ग्यारह, ठीक है। इनमें कम समय लगता है, इनमें हसव स्वर से क्या लगता है, दुगना समय लगता है, ठीक है, इनको दीर्घ स्वर बोला जाता है। आगे है पलुत स्वर, पलुत स्वर कौन से होते हैं, पलुत, पलुत का मतलब है तीन गुना, ठीक है, तिगना, ठीक है। ऐसे स्वर जिनको बोलते समय तीन गुना समय लगता है उनको पलुत स्वर बोला जाता है। जैसे ओम, देखो ओम, मैंने बोला ओम, अब ओम बोला ना तो कम समय लगा ना दुगना लगा, कितना समय लगा, तिगना समय, ठीक है। इसमें से कई बार क्वेश्चन आया था, तो इनमें, इनको भी आपने ध्यान से समझना है, ठीक है। मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तीन, कौन से, हसव, दीर्घ और पलुत। हसव की परिभाषा आपको पता ही है कि जब कम समय लगे और दीर्घ दुगना समय लगता है, और पलुत जब तीन गुना समय लगता है। ऐसे ही आगे हैं, इनको इनमें से भी कई बार, बहुत बार प्रश्न आया है, ठीक है। हिंदी के जितने भी जो परीक्षाएं हुई हैं इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। आप जो हमारे जो उच्चारण स्थान है ना, उच्चारण स्थान है, जैसे कोई कंठ है ना, या कह लो कि कोई ओष्ठ है ना,
या कह लो कि कोई स्वर तंत्रियां है ना, इसके जो तालु है, नासिका है, दंत है ना, उसके हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में जो वर्ण है उनको बांटा गया है। तो कौन सा वर्ण किस कैटेगरी में आता है इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, मैंने पहले बताया था कि अलग जो परीक्षाएं होती हैं हिंदी की, जैसे सी टेट है और जो हमारा पी टेट है, जो एच टेट है ना, जितने भी जो जिसमें हिंदी का जो भाग आता है, तो उसमें जो हिंदी व्याकरण के जो भाग आता है, वर्ण के ये जो पोर्शन है, इनमें से जो वर्णों के प्रश्न आने ही आने हैं। इनको आपने ध्यान से समझना है कि कौन सा वर्ण कौन से ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। जैसे आप देख लिखा हुआ है कंठ, ठीक है, कंठ, कंठ क्या होता है, ये गला, ये वाला, ठीक है। अब देखो इसमें कंठ, जो कंठ की कैटेगरी में कौन कौन से वर्ण आएंगे, देखो क ख ग ग और ड, कहने का मतलब क्या है, जो क वाले, क वर्ग वाले, ठीक है, सारे जो क वर्ग वाले हैं वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, कंठ वाले। अब प्रश्न कैसे आएगा, या तो पूछ लेता है कि कंठ वर्ग के जो वर्ण बताएं, वहां पर अलग अलग तरह के वर्ण लिखे होंगे, ठीक है, क ख ग लिखा होगा, च छ ज लिखा होगा, तो अलग अलग तरह के वर्ण लिखे होंगे, तो आपने उनको समझना है कि कौन सा वर्ण कंठ वर्ग का है, ठीक है। अगर नील लिखा होता, कंठ ये वर्ण नील लिखे होते तो क्या लिखा होता, दूसरे वर्ण लिखे होंगे, तो आपने देखना है क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। मान लो ये लिख दिया क ख ग, ये लिख दिया, तो आप क्वेश्चन आएगा कि ये कंठ वर्ग है, तालु वर्ग है, चाहे दंत वर्ग है, तो आपने पता ही है, इसको बोल के देख लो क ख ग घ ड, ठीक है, ये आवाज है जो कंठ से निकल रही है, ठीक है, तो ये क्या है, कंठ है, जो क ख ग जो क वर्ग वाले हैं, जो कंठ की कैटेगरी में आगे तालु, ठीक है, ये तालु है जो मुख के अंदर है, ये तालु, देखो च छ ज झ न, ठीक है, च वाली लाइन, च वर्ग, च छ ज झ न, ये पांच तो ये हो गए च वर्ग वाले, और ई य और श, ठीक है, ई य और श, ठीक है, इनको आप अलग भी लिख सकते हो, इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये पांच ज वर्ग लिख लिया और इनको लिख लिया ई यश, ई यश, ठीक है, याद रहते हैं कि आपको कोई ऐसे बना लो, जैसे आपको क्या है, कोई क्ल्यू बना लो, या उसको कह लो कि आप इसका कोई हिंट बना लो, ताकि आपको दिमाग में इसको याद करना क्या हो जाए, सौखा हो जाए, आसान हो जाए। ये को तालु वाले बोले जाते हैं। आगे है मूर्धा, 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 देखो जैसे ट ठ ड ढ न, ठीक है, ट ठ ड ढ न, जो इनको क्या बोला जाता है, मूर्धा जो है वर्ण बोले जाते हैं, इसमें ट वर्ग आ जाएंगे, और कौन सा आ जाएगा, ऋषि लगा लो और र और श, ठीक है, इन्हें मूर्धा बोला जाता है। आगे आ जाएगा दंत, दंत में दांत, दांत वाले, ठीक है, त थ द ध न, ठीक है, त वर्ग आ जाएगा, इसमें त वर्ग आ जाएगा और लास्ट में ल और स, ठीक है, जब इनका बोला जाता है, इनको बोला जाता है, तो त थ द ध न, जब दांतों का प्रयोग ज्यादा होता है, ठीक है। आगे ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठ देखो प फ ब भ म, ठीक है, और क्या है उ, ठीक है, बोल के देखो, हमारे जो ओष्ठ है उनका प्रयोग ज्यादा होता है जब इनको बोला जाता है, प फ ब भ म और उ, ठीक है। आगे नासिका, नासिका जब इनको बोला जाता है तो जो वायु है मुख और नाक दोनों से निकलती है, ठीक है, जो वायु जब हम बोलते हैं, इनको वायु है मुख और नाक दोनों से निकलती है, इनको नासिका वर्ण बोले जाते हैं, ड न न न और म, ये जो हमारे जो क्या है, जो वर्णमाला है ना, जो 25 स्पर्श व्यंजन है, उसमें जो हर एक वर्ग का जो पांचवा जो वर्ण है, ठीक है, हर एक वर्ग का पांचवा वर्ण है कौन सा होता है, नासिका वर्ण होता है, ठीक है, ये
ये हर एक वर्ग के कौन से है, पांचवें क्या है, वर्ण है, पांचवा वर्ण है। ठीक है, आगे है कंठ प्लस तालु। ठीक है, कंठ और तालु ऐसे वर्ण कौन से हैं जिसका प्रयोग करते समय जब कंठ का भी सहारा लिया जाता है और तालु का भी सहारा लिया जाता है, वो है ए ए, छोटी ए और बड़ी ए एडी। ठीक है, छोटी ए और बड़ी ए एडी जब इनका प्रयोग होता है तो हमारे कंठ और तालु, ठीक है, दोनों का क्या है, इस्तेमाल होता है। ऐसे वर्ण कौन से हैं, ए और ए एडी, छोटी ए और बड़ी ए। आगे कंठ प्लस ओष्ठ। ठीक है, कंठ और ओष्ठ ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनका प्रयोग करते समय हमारे कंठ का भी प्रयोग होता है और ओष्ठों का भी होता है। ठीक है, वो है ओ और ओ, छोटा ओ और बड़ा ओ। ठीक है, छोटा और बड़ा ओ। आगे ओष्ठ प्लस दंत, ऐसे कौन से व्यंजन हैं या ऐसे कौन सा वर्ण है जिनका प्रयोग करते समय ओष्ठ में होठ, हमारे होठों का और दांतों का प्रयोग होता है, वो है व। व आप बोल के देख लो, व। ठीक है, दांत का भी प्रयोग हो रहा है, दांतों का भी प्रयोग हो रहा है और हमारे होठों का भी प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इनको इनमें से जो जो प्रश्न है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, इनको आपने अनदेखा नहीं करना, आपने इनको ध्यान से समझना है। ठीक है, ये इसमें से प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, आपने कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ नासिका, कंठ तालु कंठ और ओष्ठ, ये जो दो वाले हैं ना, इनको तो ध्यान से समझना है आपने। कंठ प्लस तालु वाले कौन से हैं, अभी अभी जब मास्टर कैडर का हिंदी का पंजाब का एग्जाम हुआ था तो ये इसमें से क्वेश्चन आए थे, कंठ तालु वाले कौन से हैं, ए छोटी ए और बड़ी ए एडी। ठीक है, कंठ हमारा जो कंठ और तालु का इस्तेमाल होता है। आगे है छोटा और बड़ा ओ, कंठ प्लस ओष्ठ, ओष्ठ होते हैं हमारे होठों का प्रयोग होता है, कंठ और होठ। आगे है ओ होष्ठ प्लस दंत। ठीक है, ये कौन सा है, हमारा जो होठ और दांतों का प्रयोग होता है, ये कौन सा है, ये है व। ठीक है, दोनों को आपने ध्यान से देखना है। ये थे वर्णों के भेद, स्वर और व्यंजन। ठीक है, और ये थे जो ऐसे व्यंजन जो अलग अलग कैटेगरी में बांटे हुए हैं, इनमें से प्रश्न आएगा ही आएगा, तो आपने इनको ध्यान से समझना है। ठीक है जी, ओके, धन्यवाद।